नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम टॉपिक पढ़ने वाले ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में, उसके अंदर जो टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन चेंज और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट है, ठीक है। लेकिन जो आज की वीडियो मैं बनाऊँगी वो ऑर्गेनाइजेशन चेंज के ऊपर बनाएंगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एक अलग से कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है वीडियो, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसकी वजह से मैंने जो है आज जो टॉपिक कवर किया इस वीडियो में वो ऑर्गेनाइजेशन चेंज है। देखो, ऑर्गेनाइजेशन चेंज का मतलब क्या है, देखो पहले इसका नाम से पता लगे, ऑर्गेनाइजेशन और चेंज। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जहाँ पे पर्सन काम कर रहे हैं, ठीक है। चेंज मतलब वहाँ पे अगर आपको कुछ भी चीज़ को चेंज करना है, चेंज का मतलब जो चीज़ पहले नहीं हुई उसको बदलना, ठीक है। वो चेंज आपके टेक्नोलॉजी वाइज भी हो सकता है, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी ढंग से चेंज हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। वो होता है ऑर्गेनाइजेशन चेंज, के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी वर्क के अंदर, ठीक है, हो सकता है टेक्नोलॉजी के अंदर, वर्किंग कंडीशंस के अंदर, ठीक है, जो जो आप इक्विपमेंट्स लगा रहे हैं उनके अंदर कुछ भी चेंज करना, वो क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन चेंज। मीन देखो मैंने क्या लिखा है, चेंज इज़ अ पॉजिटिव अप्रोच एंड अ नेसेसरी साइन ऑफ ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। देखो, चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जब तक आप चीज़ों को चेंज नहीं करोगे, चेंज का मतलब क्या है, बदलाव। चेंज का मतलब क्या हो, बदलाव। अगर आप वही पुरानी टेक्निक, वही पुराने कंसेप्ट को यूज़ करते रहेंगे तो आपका जो है बेसिकली आप जो है वो ग्रोथ की तरफ नहीं जा सकते जब तक आप कुछ चीज़ नई नहीं लेकर आओगे, जब तक आप कुछ चीज़ चेंज नहीं करोगे ना। नेक्स्ट है, चेंज रिजल्ट फॉर द प्रेशर ऑफ फोर्सेस विच आर बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड द। कई बार क्या होता है, हमें चेंज करना पड़ता है, हो सकता है हमारे इनसाइड मतलब हमारे इंप्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं वो चाहते हैं कि भी हम ये रॉ मटेरियल यूज़ नहीं करेंगे, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। कई बार क्या होता है, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, कि हमें इनसाइड मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो पर्सन काम कर रहे उनकी वजह से अपने उसमें चेंज करना पड़ता है, और कई बार आउटसाइड, आउटसाइड मतलब गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी चेंज कर दी है, हो सकता है कुछ भी चीज़ हो सकती है, वो हमारे आउटसाइड भी हो सकते हैं और इनसाइड, जिनकी वजह से हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज करना पड़ता है। चेंज में अफेक्ट पीपल, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एटसेट्रा, अदर एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बल्कि चेंज किस किस को अफेक्ट करता है, पर्सन को भी अफेक्ट करेगा, स्ट्रक्चर भी चेंज हो सकता है हमारे, टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज कर सकते हैं, और भी कई एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज कर सकते हैं। चेंज एज अ प्रोसेस इज सिंपली मॉडिफिकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिस्टम। मतलब कि चेंज का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमने सिंपली मॉडिफाई करना है जो स्ट्रक्चर, जो काम हम पुराने टाइम से करते आ रहे हैं, अब उसको हटाकर नई नया उसके अंदर एड ऑन कर देना, नया चेंज करना, वो क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन चेंज। अब ऑर्गेनाइजेशन चेंज करता कौन है, तो उसके लिए एक अथॉरिटी बनी हुई है, चेंज एजेंट, ठीक है। ये पर्सन होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जितना भी चेंजिंग करना है, ठीक है, जो चेंज किस तरह से करना है, कहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं तो, बल्कि चेंज से रिलेटेड जितना भी काम होगा वो कौन करेगा, चेंज एजेंट। चेंज एजेंट हमारे टॉप मैनेजमेंट, बल्कि हमारे मैनेजर भी हो सकते हैं, और चेंज एजेंट हम बाहर से भी कई बार बुलवा लेते हैं, ठीक है, कोई कंसल्टेंट बाहर से बुला लेते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे चेंज एजेंट होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो भी टाइप ऑफ चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, काफ़ी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज हो सकता है, लेकिन चार मेन है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़्यादा इंपैक्ट डालते हैं अगर इनके अंदर चेंज कर दिया जाए। सबसे पहले है चेंजिंग स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देना, ठीक है। जैसे कुछ एलिमेंट्स थे, ठीक है, हमने उन एलिमेंट्स को हटाकर नए एलिमेंट्स को यूज़ कर दिया है, तो वो होता है चेंजिंग स्ट्रक्चर, कि हमने स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है चेंजिंग टेक्नोलॉजी, कि जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे थे, जो इक्विपमेंट्स, जो टूल्स हम यूज़ कर रहे थे, उनको हटाकर नया, अब मान लो कंप्यूटर सिस्टम पे हमने कर दिया है, ठीक है, नए नए इक्विपमेंट्स हमने उसके अंदर यूज़ कर दिए हैं, तो ये था टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज कर देना। नेक्स्ट है चेंजिंग द फिजिकल सेटिंग, कि हमने क्या किया कि पहले लोग जहाँ पर बैठते थे, ठीक है, जहाँ पे उनका रूम था, मान लो, ठीक है, एक डिपार्टमेंट का इस साइड था, राइट साइड, और एक डिपार्टमेंट का लेफ्ट साइड था, और बीच में बहुत बड़ी दीवार थी, तो हमने क्या किया, दीवार को तोड़वा दिया ताकि वो जो है ईजिली कम्युनिकेट कर सके, ठीक है, कि अगर डिसीजन मेकिंग के टाइम पर वो ईजिली जा सके इधर से उधर। तो क्या है कि हमने कई बार क्या किया, अपनी फिजिकल सेटिंग के अंदर भी चेंज कर दिया, जैसे इंटीरियर डिज़ाइन के अंदर चेंज कर दिया, लाइट्स के अंदर चेंज कर दिया, जहाँ पे काम कर रहे उस वर्क एरिया के अंदर हमने कुछ चेंज कर दिया। तो होता है कई बार हम फिजिकल सेटिंग, जहाँ पर काम हो रहा है, जहाँ पर हम बैठे हैं, जहाँ पे हमारा रूम है, वहाँ पे चेंज कर देना। नेक्स्ट है चेंजिंग पीपल्स, कि हमने क्या करना है, पीपल्स के बिहेवियर, उनके एटीट्यूड को चेंज करना है, ठीक है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल के अंदर कुछ लेकर आना है, उनके अंदर एक ऐसा
ऐसा मोटिवेशन पैदा करना, एक ऐसा उनके अंदर एक ऐसी स्किल इम्प्रूव करना कि वो ईजिली डिसीजन मेकिंग कर सके, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको शॉर्ट आउट कर सके। तो ये इस तरह के जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर इनमें चेंज किया जाए तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रेजिस्टेंस टू चेंज। रेजिस्टेंस का मतलब होता है, देखो चेंज हर कोई एक्सेप्ट थोड़ी कर लेता है। ठीक है, अगर आप मान लो ऑर्गेनाइजेशन की बात लगा लो या कुछ भी चीज़ हो, अगर कोई रूल ब्रेक होता है या फिर हम कोई इक्विपमेंट्स को नहीं यूज़ करने वाले हैं या फिर हम किसी भी तरह के टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज करने पर, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उसका विरोध करेंगे कि भी हमें नहीं करना, हमें पहले वाला ही चाहिए। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, विरोध करना, कि जो आप चेंज है चेंज कर रहे हो तो लोग खड़े हो जाएंगे कि भी हमें ये चेंज नहीं चाहिए। ठीक है, रेजिस्टेंस टू चेंज कैन ऑल्सो बी ए सोर्स ऑफ फंक्शनल कन्फ्लिक्ट। तो कई बार क्या करते हैं, कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बन जाती है। अब टॉप मैनेजमेंट तो कह रहा है कि हमने इस वाली टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं पुराने समय से वो मना कर रहे हैं कि भाई नहीं, हम तो पुराने समय से ही काम कर रहे हैं, इसी से यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे भी हो सकते हैं। स्टडीज ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज डेट ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर मेंबर्स रेजिस्टेंस चेंज। कई बार क्या करते हैं, हमें देखना पड़ता है। रेजिस्टेंस टू चेंज का मतलब सिंपली ये है कि अब लोग विरोध करेंगे, कि आप जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ भी नया लेकर आओगे, कुछ भी चेंज करने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो वो लोग उसके ऊपर विरोध करेंगे ही करेंगे। कई बार तो क्या होता है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है कि हर एक पर्सन विरोध करेगा, इंडिविजुअली पर्सन उसका विरोध कर सकते हैं। मान लो हैबिट है, अब मान लो कोई पर्सन जिस तरह से काम कर रहा है, जिस टेक्नोलॉजी से काम कर रहा है, उसको उसकी आदत पड़ जाती है। तो किसी पर्सन की आदत के अंदर जब आप चेंज करोगे तो वो तो बोलेगा। तो एक तो इसका मतलब क्या, हैबिट की क्या है, एज अ ह्यूमन बींग जब हम कोई काम रूटीन में करते हैं तो हमारी हैबिट बन जाती है, और जब हम उसे बोलते हैं कि आप चेंज करो तो लोग उसका विरोध करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसको उस चीज़ की आदत पड़ गई है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। कई बार क्या होता है, हमारे कुछ चेंज की वजह से लोगों की सिक्योरिटी पे अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, मान लो हर एक पर्सन चाहता है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन में एक सिक्योर फील करूँ, सेफ फील करूँ। ठीक है, लेकिन मान लो मैं आपको एक इसका एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज हुआ है टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, टाइम चेंज हो गया, तो ऑर्गेनाइजेशन पहले 6 बजे छुट्टी होती थी, सपोज़ अब 8 बजे छुट्टी हुआ करेगी। ठीक है, तो जो चलो मेल फिर भी एडजस्ट कर सकता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फीमेल काम कर रही है वो उसका विरोध करेंगे कि भाई नहीं, टाइम ठीक नहीं है, हमें आना होता है, हम दूर से आएंगे तो रात को हमारे लिए सेफ नहीं है, हम सिक्योर फील नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से भी चेंजेस कई बार आ जाते हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉय को लगता है कि भाई ये जो चेंज हुआ है वो मेरे लिए सेफ नहीं है, तो वो उसका विरोध करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर्स। कई बार क्या होता है, चेंज की वजह से उनके इकोनॉमिक्स मतलब कि उनके एक मॉनेटरी उस पर भी अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, मान लो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज हुआ है कि आपको ये काम करना है, अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आपकी सैलरी के हम इतना पैसा काट लेंगे अगर आपने हमारा ये टारगेट फुलफिल नहीं किया। तो कई बार ऐसे भी चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेंबर्स काम कर रहे हैं उनके इकोनॉमिक के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो वो भी उसका विरोध। ऑफ अननोन, फियर ऑफ अननोन का मतलब क्या होता है, लोगों को पता ही नहीं है कि वो चेंज हुआ है, वो घबरा जाते हैं, यार पता नहीं अब क्या होगा, अब हमारे टॉप मैनेजमेंट ने ये चेंज कर दी है या फिर गवर्नमेंट ने ऐसी चीज़ चेंज कर दी, अब पता नहीं क्या होगा, हमें तो ये चीज़ यूज़ करनी है। तो लोगों को घबराहट होती है नई चीज़ को एक्सेप्ट करने में शुरू में, फिर तो जब वो उस चीज़ को सीख लेंगे, उसकी ट्रेनिंग ले लेंगे, तो उसको उसकी चीज़ की आदत पड़ जाएगी। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब भी आप कोई नया काम सीखते हो या आप कुछ नया करने की कोशिश करते हो, स्टार्टिंग में उस चीज़ से डर लगता है, तो इस वजह से भी ये भी एक कारण है। नेक्स्ट है जब एक ऑर्गेनाइजेशन ही उस चीज़ का विरोध करे, चीज़ का चेंज का। ये तो मैंने इंडिविजुअल की बात करी कि एक दो पर्सन खड़ा हो गया कि भी हमें नहीं करना, तो वो कारण हो सकते हैं। लेकिन जब पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन ही उसका विरोध करे चेंज का, तो क्या कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल इनर्शिया। स्ट्रक्चरल इनर्शिया का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो स्टेबिलिटी बनी हुई है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, जो रूल्स बने हुए हैं, जो स्टेबिलिटी बनी हुई है, लोगों को पता है हमने क्या काम करना है, किस तरह से करना है, सभी को पता है, वो 8-10 साल से ही काम कर रहे हैं, उन्हें सब चीज़ पता है, वो आते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में आकर अपने काम में लग जाते हैं कि उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। लेकिन जब चेंज किया जाता है तो उसका अफेक्ट पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ता है कि एक हिसाब से अगर हम माने तो एक टाइम तो ऐसा आ जाता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन पूरा हिल जाता है, उसका स्ट्रक्चर पूरा एक किस्म से हिल जाता है, तो हमें एक नए तरीके से उसको शुरू करना पड़ता है। तो एक बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर हार्डवर्क की जरूरत पड़ती है उस टाइम पे। ठीक है, तो उस टाइम पे लोगों को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इसकी वजह से वो अवॉइड करते हैं कोई भी चेंज करने से। ठीक है, नेक्स्ट है
लिमिटेड फोकस ऑफ चेंज। कई बार क्या होता है कि हम एकदम से कोई चेंज आया, ठीक है, मान लो गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ चेंज कर दी कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये अगर आप ये वाली चीज़ यूज़ करो तो आप ये चीज़ यूज़ नहीं करोगे, तो ये बैन हो चुकी है, तो आपको उसका एक अलग से आपको उसका अल्टरनेटिव देखना पड़ेगा, ठीक है। मान लो आपने कोई टेक्नोलॉजी के अंदर अब चेंज करना पड़ेगा, तो एक किस्म से आप क्या करते हो, एकदम से आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है। आपने वो चीज़ सोची भी नहीं थी, एकदम से जब आपको चेंज करने पड़ जाए तो आप उसका विरोध करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है थ्रेट टू एक्सपर्टीज़। कई बार क्या होता है एक्सपर्टीज़ को भी खतरा हो जाता है कि भी हम चेंज तो कर रहे हैं, तो जो जो एक्सपर्ट्स हैं जो 10-15 साल से वही काम कर रहे हैं, तो उनको भी वो उस चीज़ में एक्सपर्ट्स हो चुके हैं, उन्हें पता है काम कैसे करना है, तो उनके लिए भी खतरा हो जाता है, तो वो भी एक किस्म से वो करते हैं, ठीक है। थ्रेट टू इस्टेब्लिश रिसोर्स एलोकेशन, है ना। तो अब क्या है, जब आप चीज़ चेंज करोगे तो नए इक्विपमेंट्स होंगे, नए रिसोर्सेज आपको लेके आने पड़ेंगे, तो ये सभी चीज़ें क्या आते हैं जो एक बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी आप कोई चीज़ चेंज करते हैं। और इन्हीं कारण की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेंबर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसका विरोध करते हैं किसका, जो चेंज हो रहा है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि जो विरोध हो रहा है हम उसको कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। चेंज का मतलब क्या हुआ कि हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ बदलाव लेकर आने हैं, क्योंकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रोथ चाहते हैं, हम 10-15 साल से एक ही काम कर रहे हैं, तो हमें नया इनोवेट करना है, कुछ नया लेकर आना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो लोगों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। तो जब विरोध हुआ तो उस विरोध को कैसे कम कर सकते हैं, तो उन्होंने कुछ सजेशन दिए हैं। फर्स्ट है एजुकेशन कम्युनिकेशन। सबसे पहले जब भी आप चेंज करोगे तो लोग बोलेंगे, भड़केंगे आपके ऊपर, है ना, कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आता है, उस टाइम पर आपको क्या करना है, लोगों को आराम से उसकी जो भी आप टेक्नोलॉजी अभी जो भी चेंज करने वाले हो उसके बारे में आपको एजुकेशन देनी है, उनको अच्छे से कम्युनिकेट करना है, उसके बारे में अच्छे से आपको डीपली समझाना है कि ये चेंज क्यों हो रही है और इसका क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। सेकंड है पार्टिसिपेशन, कि अब आप टॉप मैनेजमेंट अगर मान लो चेंज करना चाह रहा है तो उसे लोगों के साथ पार्टिसिपेट करना पड़ेगा काम के टाइम, तो चेंज कर लिए तो उन्हें टेक्नोलॉजी सिखानी पड़ेगी, उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, एक किस्म से उनकी जो टॉप मैनेजमेंट है, जो भी चेंज करने वाले हैं, जो हमारे एक्सपर्टीज़ हैं, उनकी प्रॉपर आएंगे, उनके साथ पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फैसिलिटेशन एंड सपोर्ट। आपको लोगों को फैसिलिटेट करना पड़ेगा, उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा, उन्हें जिस भी किस्म से कोई भी सपोर्ट चाहिए, रॉ मटेरियल से रिलेटेड, कोई वर्क इन्वायरमेंट से रिलेटेड, कुछ भी चीज़ चाहिए तो आपको उनको सपोर्ट देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है कर्सन क्या होता है, अगर लोग नहीं मानते तो कहते हैं ना कि अगर घी सीधी उंगली से ना उतरे निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है, तो कर्सन का मतलब क्या होता है, अब जो टॉप मैनेजमेंट वाला अगर वो नहीं मान रहे उसके मेंबर, तो वो उनसे अब गुस्से में बात करेगा कि भी तुम्हें करना है तो करो, नहीं जॉब छोड़ के भागो यहाँ से, मैं नया हायर कर लूँगा, समझ रहे हो। एक किस्म से वो डराएगा, धमकाएगा उन्हें अगर वो नहीं मान रहे, पहले उन्हें प्यार से समझाएगा, लेकिन वो फिर भी उसका विरोध करे जा रहे हैं तो वो उनसे फोर्सफुली वो काम करवाएगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट है प्लान चेंज का मतलब क्या होता है कि जब भी आप चेंज करो, चेंज करने की सोच भी रहे हो, तो पहले उसको प्लान करो अच्छे से, उससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, आप लोगों से कैसे डील करोगे, मतलब कि हर एक छोटी छोटी चीज़ों को आप प्लान करना, जो भी आप चेंज करने वाले हो उसके बारे में आपने प्रॉपर नॉलेज लेनी है, प्रॉपर उसके बारे में रिसर्च करनी है, क्या वो बेनिफिशियल होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए या नहीं। तो जब भी आप चेंज की बात कर रहे हो तो चेंज के टाइम पे जब आप मैं बात कर रही हूँ प्लान चेंज का मतलब क्या, आप प्रॉपरली प्लान कर रहे हो जो भी आप चीज चेंज करने वाली हो। तो उसके अंदर थ्री स्टेप दिए थे, जो किसने दिए थे, लेविन्स ने, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेविन्स ने 3 स्टेप्स दिए थे जब आप प्लान चेंज कर रहे हो। सबसे पहले होता है अनफ्रीजिंग का मतलब होता है पहले थोड़ा धीरे धीरे लोगों को बता दो, उनके मन में एक किस्म से वो नहीं है तो एक अफवाह उड़ने लग जाती है, कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी काम होती है तो धीरे धीरे भनक पड़ जाती है, तो वो काम आपने करना है, धीरे धीरे लोगों को बताना कि ये चीज़ चेंज होने वाली है, ठीक है। तो क्या आता है मूवमेंट, अब लोगों को पता लग गया धीरे धीरे, अब टॉप मैनेजमेंट वाले ने मीटिंग करी और मीटिंग के टाइम पे उन्होंने बता दिया कि भी अब चीज़ चेंज की होगी टू अ न्यू स्टेट, उन्होंने नई स्टेटमेंट बता दी कि भी ये चीज़ चेंज होगी। पहले तो उन्होंने सिर्फ ये अफवाह सुनी थी, लेकिन अब उन्होंने लगा कि ये तो सच्ची में चेंज हो रहा है। रीफ्रीजिंग
क्या है, जब वो एक्चुअली में इम्प्लीमेंट हो जाता है वो चीज़। यहाँ पर तो सिर्फ डिस्कशन हो रही थी, यहाँ पर सिर्फ अफवाह थी, अभी पक्का नहीं था, यहाँ पर अब पक्का हो गया। जब पक्का हो गया तो अब उसको अच्छे से जब आप इम्प्लीमेंट कर देते हो तो वो क्या बन जाता है, रिफ्रीज। अब वो जो चीज़ आपने ने अब जब चीज़ आपने चेंज किया वो परमानेंट हो जाएगी। न्यू चेंज टू मेक इट परमानेंट, यहाँ पे अनफ्रीजिंग रीफ्रीजिंग के अंदर क्या होता है, वो परमानेंट बन गई। पहले क्या होता है, अनफ्रीजिंग, फिर मूवमेंट, फिर रीफ्रीजिंग। अनफ्रीजिंग क्या है, अभी उसको अच्छे से हमने वो नहीं किया, अभी उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी बात हो रही है। मूवमेंट क्या होता है, प्रॉपरली मीटिंग होती है, यहाँ पे डिस्कशन होती है जो भी चीज़ चेंज हो रही है। रीफ्रीजिंग क्या होता है, जो हमने बात करने चेंज की वो एक्चुअली में प्रैक्टिकली में वो चीज़ चेंज हो जाती है और वो जो चीज़ चेंज हुई वो परमानेंट हो गई है। ठीक है, तो ये हमने आज जो पढ़ा है वो ऑर्गेनाइजेशन चेंज पढ़ा है। ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन चेंज क्या है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन चेंज के किस तरह से आप करते हो, ठीक है, उसके क्या क्या रेसिस्टेंस होंगे, उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, प्लान चेंज क्या है, ये सब चीज़ें हमने आज ऑर्गेनाइजेशन चेंज के बारे में पढ़ा है। कल जो हम पढ़ेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।